तो बिल्कुल स्वागत करते हैं इस चाला के फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में, जैसे कि बैक टू बैक वीडियो जाता है। तो फिलहाल अभी फिर से हमारे पास कैंडिडेट आई हैं जिनका कि बिहार दरोगा में अंतिम रूप से चयन हो चुका है, यानी मेरिट लग चुकी है। तो मिलेंगे अपने दोनों कैंडिडेट से। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ ज्वाइन करना न्यू बैच के लिए बिहार पुलिस बिहार दरोगा, फिर इसके बाद SSC GD झारखंड पुलिस, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं शाना का फिजिकल में गांधी मैदान गेट नंबर 7 के सामने। नीचे लिखे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है बाजार समिति में गेट राजेंद्र नगर पटना बिहार। जो बच्चे दूर सारे उनके लिए उसकी व्यवस्था की गई है। तो फिलहाल आप दोनों को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने बिहार दरोगा का PT पास करा, मेंस पास करा, देन उसके बाद फिजिकल पास करा, और आज इस पायदान पे हो कि आप दोनों के कंधे पे कुछ ही दिनों के बाद डबल स्टार दिखने को तैयार है आप लोग, है ना। तो अच्छा ये बताओ कहाँ से आई हो आप? 2 साल से पटना में ही। अच्छा, और ये जो तैयारी आपने करा बिहार दरोगा के लिए, ठीक है, तो ये तैयारी किस स्ट्रैटेजी के हिसाब से करा था आपने कि आपकी जो मेरिट लगी है वो किस स्ट्रैटेजी से तैयारी की थी? बेसिकली मैं BPSC का प्रिपरेशन करने यहाँ पे आई थी, 68 का मैंने प्री दिया, लेकिन वो मेरा हो नहीं पाया। जो से बोलने का आवाज़ ज़्यादा नहीं है, फिर से बोलूँ क्या? नहीं नहीं, मैं BPSC का प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पे आई थी, तो 68 मैंने दिया था फर्स्ट अटैम्प्ट, लेकिन मेरा हो नहीं पाया। उसके बाद 69 मैंने दिया ही नहीं, लेकिन उसके बाद 64 पोस्ट आया था एक्साइज वाला, लेकिन तब तक मुझे इसका सिलेबस पता ही नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उसे अटैम्प्ट किया, लेकिन उसमें भी मेरा नहीं हुआ। उसके बाद थोड़ा मैं सेटबैक ले ली, कुछ हो ही नहीं रहा है मेरे से। अच्छा, तो जब आपको ये उस समय आपको जब लगा कि रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पढ़ना मेरा व्यर्थ जा रहा है, तो उस समय क्या आप मोटिवेशन क्या आया कि नहीं फिर से रीस्टार्ट करते हैं? मोटिवेशन यही था सर कि थोड़ा मतलब बहुत वीक फील होने लगा था अंदर से कि कुछ हो नहीं रहा, इतना पढ़ रहे, इतना मेहनत कर रहे, हो नहीं रहा। फिर उसी टाइम पे ना 1275 का नोटिफिकेशन आया, मैंने एक्सप्लोर किया, इसके सिलेबस को अच्छे से देखा, प्रीवियस ईयर देखा, बहुत सारा ऑनलाइन मटेरियल्स जो भी होता है रिसोर्सेज, उसकी मदद ली, तो फिर मेरा फ्री निकल गया। अच्छा, उसके बाद मैंने मेंस में मैंने मेहनत की थी। उस टाइम पर मैं बताना चाहूँगी, ठंडा वाला मौसम था, अकेडमी में मैं आती थी रनिंग के लिए, और होता था ना कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ, लेकिन वहाँ पर बहुत दिक्कत होती थी पढ़ने में। उस ठंड वाले मौसम में मैं करती क्या थी, रात के 8:30 तक सो जाता था, 12:30 रात में उठ के 1 बजे से लेकर 5 बजे सुबह तक पढ़ती थी, उसके बाद 6 बजे आपके अकेडमी आती थी। तो धीरे धीरे करके वो मेरा रूटीन हो गया। उसके बाद मेंस का भी रिजल्ट आया, और आप लोगों ने फिजिकल में अपना 100% दिया, जबरदस्ती दोहराया, जो भी किया बहुत किया। आपने सूरज सर ने बहुत मोटिवेट किया, बहुत वीक थी मैं, लेकिन सूरज सर हाथ पकड़ के दौड़ाते थे, आप बहुत कुछ बोलते थे, बेरोजगारी से भरा कोई दर्द नहीं, ये सोच के हम दौड़ दिए ये चीज़ को। और वो लास्ट टाइम का टाइमिंग याद है? हाँ, वो भी टाइमिंग याद है, और एग्जैक्ट वही टाइमिंग मेरा उसमें भी आया। हाँ, आपने बोला भी था कि हो जाएगा, ये सोच के करता है, देख बेरोजगारी से भरा कोई दर्द नहीं, ये मेरे माइंड में पूरे टाइम चलते रहा जब तक मैंने रनिंग नहीं पास किया, आज यही हुआ। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आप फिजिकल पास की मेरिट लग गया। और जहाँ तक मेहनत की बात थी, तो जो आपने कहीं से कोचिंग क्लासेस वगैरह या फिर सेल्फ स्टडी? सर, मैंने BPSC के लिए कोचिंग लिया था, तो वो मेरे लिए इनफ था, मुझे लगता था सेल्फ स्टडी, उसके बाद मैंने उसी मटेरियल पे कंटिन्यू रखा। अच्छा, तो ठीक है, इसके बाद जो आपकी ये डबल स्टार का सफर है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सर, पहले तो मैं अपने जो मैंने हार्ड वर्क किया, मैं खुद को भी दे रही हूँ। बहुत अच्छा, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने खुद के लिए भी अपना। उसके बाद मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे, खास करके मेरे पापा बहुत ज़्यादा ही, मतलब जितना मैंने सेटबैक 2 साल में देखा है, कोई भी एग्जाम नहीं निकला, उसके बाद यहाँ तक पहुँचना, तो बहुत मोटिवेट करते रहे। उसके बाद जब मैं एकेडमी आई, आप लोग से मिली, तो फिजिकल में भी आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया हमेशा। बहुत बच्चे ये भी बात करते थे क्या होगा मेरिट का, नहीं होगा, सूरज सर भी कभी कभी बोलते थे तुम लोग इतना हल्ला कर रही हो, ये कर रही हो, पहले मेरिट का तो सोचो। तो फिर मुझे ये लगता था ठीक है, मेहनत किए हैं, वो तो जाना चाहिए, 98% मेजोरिटी, लेकिन फिर भी 2% सभी को डाउट होता है। ये कोई कहता है कि नहीं एक सीट तो मेरा पक्का है, वो निकल जाने के बाद ही कोई कहता है, पहले सब कोई डाउट में होता है। तो मैं सभी को ये श्रेय देना चाहूँगी, सबका कुछ ना कुछ अपना रोल है, सबका योगदान है मेरी इस जर्नी में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो छोटी, आप कहाँ से? जोर से बोलिए। सासाराम से। अच्छा, तो ये जो आपने तैयारी करा वो क्या, कैसे करा आपने तैयारी, मतलब सेल्फ स्टडी से करा है कोचिंग क्लासेस से करा? सेल्फ स्टडी रहा। तो ये जो तैयारी आपने करा, इसके पीछे कौन सी बुक्स, वो जो कि जो और भी बच्चे नए, अभी शायद 2100+ वैकेंसी आ रही है, 2100 या 2400+ वैकेंसी आ रही है इसी मंथ के लास्ट तक, और अगस्त में शायद हो सकता है उसका फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो जाए,
तो कौन सा बुक उनको रिकमेंड करोगी कि हाँ मतलब इस बुक से पढ़ने से मतलब ज्यादा अच्छा मतलब स्कोर कर सकता है इंसान? मैं नहीं बोल पाऊंगी सर, जो भी आप मतलब सबसे पहले प्रीवियस ईयर देख लेना है, मतलब प्रीवियस ईयर को अच्छे से कर लेना है, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन मैच भी कर जाता है। अच्छा। और प्रैक्टिस सेट लगाना है, और बाकी बुक में कितना प्रैक्टिस सेट लगाती थी दिन भर में? मैं एक ही लगाती थी एक दिन में। और रिविजन फिर? हाँ। और इसके साथ, हाँ, और इसके साथ जो आपने इतना मेहनत करा, तो जो बुक का वो सिनेरियो रहा है कि क्या क्या स्ट्रैटेजी रही बुक के लिए, तो वो बुक का जरा बता देंगे क्या है? घटना चक्र में पढ़ी थी। अच्छा। वैसे मेरा यूपीएससी के लिए तैयारी रहा है। अच्छा। मेरी डाउट भी हूँ मैं यूपीएससी से। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आप लगे रहिएगा, अगली बार आपका बीपीएससी जरूर हो जाएगा। और कौन सी बुक है? घटना चक्र है, लूसेंट है, और हल्का फुल्का स्पीडी भी देख सकते हैं, और करेंट अफेयर के लिए एडिटेरिया का बुक आता है, वो भी बहुत अच्छा है। और मैथ रीजनिंग पे बस प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर को देख के प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा मैथ रीजनिंग पे मतलब फोकस करने की जरूरत नहीं है, बस जनरल स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना है। आपने कितना सेट प्रैक्टिस करा था? मैं एक ही सेट लगाती थी। पर डे? हाँ, सेट लगाने में मुझे अच्छा नहीं लगता था, सेट लगा के मैंने बस ये देखा कि कौन सा पोर्शन मेरा वीक है, जिस पे मुझे ज़्यादा वर्क करना है, तो उससे बेटर है कि आप प्रीवियस ईयर दो तीन बार जरूर रिवीजन कीजिए, उससे पता चलता है। चलिए ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने एकेडमी आया और इतना ज़्यादा श्रेय भी दिया हम लोगों को। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मेहनत आप लोग का जोरदार रहा, पीटी से लेकर मेंस तक का और फिजिकल तक का, जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पर हो, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पैकिंग तो बहुत अच्छा है, अरे खाना ही है, पार दो ना। हाँ भाई, करोगा आओ इधर, इधर आओ, तोड़ के कैमरा में कम खा रही है बात तो। बबलू सर छुप रहे हैं इधर से, सूर्य सर कहीं तुम्हें कुछ नहीं कर।